बड़ी दीदी की रसोई में आपका स्वागत है। और देखिए, आज मैं दही वाली मिर्च बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने मिर्चों को काट लिया है, धोकर काट लिया है। और उसके पश्चात मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है, उसमें हींग, जीरा, अजवाइन, मेथी डालकर इन सभी मसालों को अच्छी तरह से भून लिया है। और भूनने के पश्चात जो मैंने जो मिर्च काटी थी उन मिर्चों को डालकर अच्छी तरह से भून लिया है। अब जब मिर्च भून जाती हैं उसके पश्चात फिर मैंने इसमें हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, सौंफ, गरम मसाला डालकर और मिर्चों को हम कम से कम 2-3 मिनट तक चलाते रहेंगे। और 2-3 मिनट तक चलाने के पश्चात अब मैंने फिर क्या किया, मिर्चों को ढक दिया है। और 3 मिनट के पश्चात हमने फिर इसको मिर्च को खोलकर और फिर इसको चलाते हुए इसमें हमने दही डाल दिया है, जिससे दही फटने ना पाए। और फिर इसके पश्चात दही चलाने के पश्चात हमने इस दही को अच्छी तरह से मिला दिया है। और मिलाने के पश्चात फिर हमने मिर्चों को अच्छी तरह से ढक दिया है। अगर इसमें नमक कम हो तो आप नमक की मात्रा बढ़ा सकते हैं। और इसके पश्चात फिर हमने अब मिर्च को दही डालने के पश्चात दोबारा से इनको ढक दिया है। अब हमने फिर से मिर्चों को 2 मिनट के लिए ढक दिया है। और जब हम 2 मिनट के बाद खोल कर देखते हैं तो हमारी मिर्च जो है वो हमारी बनकर तैयार है। अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।